नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि किस प्रकार केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करवाने का तरीका बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले आपको ओपन करनी है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.kvsangathan.nic.in। यह वह वेबसाइट है जिसके माध्यम से मैं आपको अधिकतर जानकारी देती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, और मैं आप सभी से यह अपील करूँगी कि आप सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट को देखें और इसी वेबसाइट से जानकारी प्राप्त किया करें। www.kvsangathan.nic.in ये ओपन हो गई है वेबसाइट, और आपको राइट हैंड साइड जो के कोने पर देखिए, राइट हैंड साइड पर तीन डंडियाँ बनी आ रही हैं, देखिए आपको करना है इन पर क्लिक। क्लिक करते ही इस प्रकार से एक खुला आ जाएगा एक बॉक्सा, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिए, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जमा का निशान प्लस का साइन, उसे क्लिक करेंगे। पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिए, चौथे को छोड़ दीजिए, पाँचवें को छोड़ दीजिए, छठे को छोड़ दीजिए, सातवां विजिलेंस पर क्लिक करिए। जैसे आप विजिलेंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉइंट कमिश्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, उनका नाम है डॉक्टर विजय लक्ष्मी। उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएगा, और एड्रेस वो कहाँ पर बैठती हैं, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर में बैठती हैं, वहाँ पर उनका ऑफिस है जो कि दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में। तो अब फ़ोन नंबर भी आपके सामने है और आपके सामने ईमेल आईडी भी है और नीचे डिटेल्स भी दी हैं। तो डिटेल्स देने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत से लोग होंगे वह ये सोच रहे होंगे कि फ़ोन नंबर पर बात कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी बड़ी पोस्ट पर जो लोग होते हैं उनके फ़ोन नंबर फ़ोन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना आसान नहीं होता, और अगर आप फ़ोन के माध्यम से अपनी कंप्लेंट के बारे में जानकारी देंगे तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि मैंने फ़ोन किया था। उदाहरण के तौर पर आज आपने फ़ोन किया, आपने बताया कि मुझे फला केंद्रीय विद्यालय में फला प्रॉब्लम हुई थी, और आपने दोबारा अगले दिन किया, सेम नंबर पर फ़ोन किसी ने उठाया, तो आपने बोला कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो बोलेंगे क्या प्रॉब्लम थी, तो आप बोलोगे मैंने कल ही बताया था कि इस केंद्रीय विद्यालय में इस ये प्रॉब्लम थी मेरी, बोलते हमें तो पता नहीं। आपके पास सबूत ही नहीं होगा यह सिद्ध करने के लिए कि आपने कल बात करी थी। तो इसीलिए हमेशा जब भी शिकायत दर्ज करवाएं, हमेशा लिखित में दर्ज करवाएं, ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजें, और उस ईमेल में अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और नाम साफ साफ लिखकर भेजें। एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपका नाम, क्योंकि अगर आपका एड्रेस गलत है या आपका फ़ोन नंबर गलत है या आपका नाम गलत है या फिर आपने प्रॉब्लम लिख दी नीचे, अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस नहीं लिखा, तब भी आपकी प्रॉब्लम पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे पता नहीं किसने, हो सकता है मजाक किया हमारे साथ, जिस प्रकार की ईमेल भेजी है, इस प्रकार की शिकायत लिखी है। तो जब भी आप शिकायत दर्ज करवाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन में या फिर कहीं भी, और अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सही भरें। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। लिखा है कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑफिसर, ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट, या केंद्रीय विद्यालय संगठन के खिलाफ एम्प्लॉयज़ के जो उनके खिलाफ कंप्लेंट आप दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आपको अभी बताया था, वह पूरा मेल में, वह पूरा शिकायत में साफ साफ लिखा होना चाहिए। कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा ऐसी शिकायतों पर जो किसी गुमनाम इंसान की तरफ से होगी, यानी कि बंदे ने अपना नाम, इंसान ने अपना नाम नहीं लिखा, एड्रेस, फ़ोन नंबर नहीं लिखा, तो ऐसी शिकायतों पर हम एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा लिखा है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब कि किसी फीमेल के साथ मिसबिहेव होता है तो उसके लिए भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की इंटरनल कमिटी बनाई जाएगी, और वह उस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वी विजयलक्ष्मी, और उस पर उस मामले को उसकी छानबीन की जाएगी। तीसरा, कंप्लेंट्स आर डेल्ट विद बाय द कंसर्न सेक्शन ब्रांचेस डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ एलिगेशन। जो कंप्लेंट्स होंगी उन्हें पहले जांचा जाएगा और फिर उन्हें कंसर्न सेक्शन या ब्रांचेस में भेजा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ एलिगेशंस। द कंसर्न सेक्शन ब्रांच विल डिस्क्रीटली वेरीफाई द वेरेसिटी ऑफ द एलिगेशन लेवल्ड इन कंप्लेंट्स बाय कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। जो आप शिकायत भेजेंगे कंसर्न सेक्शन या ब्रांचेस में जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द एलिगेशन। फिर उसके अलावा बहुत ही आप कह सकते हैं कि गुप्त तरीके से उसकी जांच की जाएगी, और
अगर पाया गया कि जो आप जो शिकायत में कहा गया है वह सही है, तो उनके खिलाफ अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे हैं, फिर उनके खिलाफ आगे कंसर्न डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या विजिलेंस एक्शन में उन्हें फॉरवर्ड किया जाएगा। और एक और चीज़ कही गई है, कंप्लेन कैन बी लॉड अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ ऑफ KVS फॉर एग्जिबिटिंग इमोरल बिहेवियर टूवर्ड KVs। मतलब कि अगर आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और आपके बच्चे के साथ किसी प्रकार का इमोरल बिहेवियर केंद्रीय विद्यालय में होता है, या फिर बच्चा शिकायत करता है, या फिर कि हमारे साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया जा रहा, इमोरल बिहेवियर, तो आप पॉस्को बॉक्स जो KV की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये है पॉस्को बॉक्स, देखिए इसमें एक वीडियो पूरी आएगी जो आप देख सकते हैं। अगर बच्चों के साथ या किसी के साथ इमोरल बिहेवियर, गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज आपके लिए लाई थी कि अगर आप करना चाहते हैं कोई कंप्लेंट तो आप kvs.jcadmin@gmail.com पे कंप्लेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिया है, बट फ़ोन नंबर के माध्यम से ना जाते हुए ईमेल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।